हाय, आज हम दिखेंगे 10 साल छोटे अपनी उम्र से एंटी एजिंग क्रीम के साथ। और इस क्रीम का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बेहतरीन रहा है हर किसी का। बस आपको 21 दिन फॉलो करना है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इसको बनाना कैसे है, एक बाउल ले लेंगे और उस बाउल के अंदर डालेंगे एक चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो फ्री रेडिकल से फाइट करता है और आपकी स्किन को लंबे समय तक रिंकल और फाइन लाइन से बचाता है। इसलिए इसे बेहतरीन एंटी एजिंग कहा जाता है क्योंकि ये स्किन को यंग और यूथफुल बनाता है। अब लेंगे 5 चम्मच दूध। दूध कच्चा भी हो सकता है या फिर पकाया हुआ, पर ठंडा होना चाहिए। इसको अच्छे से मिला लेंगे दोनों को। और अब डालेंगे इसके अंदर जो है कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च की आपको 2 चम्मच लेनी है और कॉर्नस्टार्च भी हमारी स्किन की जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करता है, जैसे कि डस्ट है, डर्ट है, ऑयल है। और जिनकी ऑयली स्किन है उनका ऑयल बैलेंस करता है स्किन से और मुहासों को होने से बचाता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक पैन में डाल लेंगे और ये पैन सीधा जाएगा लो फ्लेम के ऊपर और आपको इसको घुमाते रहना है और तब तक घुमाना है जब तक ये क्रीमी मिक्सचर ना बन जाए। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद आपको इसको निकाल लेना है अलग से एक बाउल में। और इसको यूज़ कैसे करना है, अब इसको यूज़ करने के लिए एक चीज़ और तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको लेना है पैन फिर से और इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अलसी और फिर इसके अंदर डालना है हमें 1 से 1.5 कप पानी। और पानी डालने के बाद आपको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाना है क्योंकि हमें इसका चाहिए जेल, क्योंकि जेल जो है वो हम यूज़ करेंगे हमारी क्रीम बनाने के लिए। और जो अलसी का जेल है वो हमारी स्किन को कसावट देता है, इसलिए झुर्रियाँ आपकी त्वचा को छू भी नहीं पाती हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे अंदरूनी सूजन को कम करता है और हमारी स्किन को हील करता है। अलसी का जो ये जेल है वो स्किन सेल्स की उम्र को कई गुना बढ़ा देता है। और आपको पता है स्किन सेल्स हर दिन डेड होती है और हर दिन न्यू सेल्स बनती है। अलसी से मिलने वाला जो ओमेगा 3 है वो आपकी सेल्स में लचीलापन लाता है और स्किन को क्लियर और स्मूथ बनाता है। बस कॉटन के कपड़े से जेल निकाल लेंगे और जो पहले जो क्रीमी मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर मिला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के लिए इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने क्रीम तैयार कर लिया मिक्सर जार में घुमा के। और इस क्रीम को मतलब आपको रात में सोने से पहले आधा घंटा, मतलब इसको अब जैसे फेस पैक लगाते हैं ऐसे लगाना है और उसके बाद वॉश कर देना है। और फिर 21 दिन के बाद आप देखेंगे इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि मुझे 100% श्योर है कि आप पॉजिटिव ही लिखने वाले हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और यूज़ करने के बाद ही शायद आप मुझे कमेंट करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को सबको शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।